14th September 2022. Today we are back with another tour of Three Malla House, which is located in Alkabir Town Phase 2. नाज़रीन, तीन मल्ले का टूर लेके आपके खिदमत में हाजिर हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं कि ओवरसीयर कंस्ट्रक्शन आपको हाउस टूर देता है, अगर आप लोग अलकबीर टाउन में हाउस लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या आप लोग प्लाट लेना या देना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता करके अपनी अच्छी सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। नाज़रीन, यह तीन मल्ले का हाउस है जो कि मार्केट में अवेलेबल है सेल आउट के लिए। वीडियो के दौरान ही हम लोग प्राइस शेयर कर देंगे और साथ इसका इंटीरियर डिज़ाइन फ्लोर प्लान को हम लोग डेप्थ में जाके इसका विज़िट करेंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रीट व्यू को डिस्कस कर लेते हैं। माशाल्लाह कारपेट रोड यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और ये सेकंड टू कॉर्नर हमारा हाउस रहेगा। एंड इसके सबसे पहले तो इसके माशाल्लाह अकोमोडेशन की बात करते हैं ना। अकोमोडेशन की बात कीजिए तो यहाँ पे हमें 3 bedrooms की अकोमोडेशन देखने को मिल जाती है। एंड माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनर ने इसकी लैंडस्केपिंग की है। साइड व्यू इसका जैसे आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह वेरी नाइस। और इसके एक्सटर्नल लॉन की बात कीजिए तो जो कि फ्रंट पर डिज़ाइन किया गया और उसके साथ हमारी बैक वॉल रहेगी जो कि यहाँ पे माशाल्लाह खूबसूरत तर्ज में डिज़ाइन की गई है। मेन गेट की बात की जाए तो माशाल्लाह एक अच्छे अंदाज में डिज़ाइन किया गया मेन गेट। और इसके बाद ही पूरे फ्रंट एलिवेशन में रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया जो कि लेली में खूबसूरत लुक दे रहा है। और कहीं कहीं हिस्से में यहाँ पर हमें टाइल वर्क देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर डिज़ाइन किया गया माशाल्लाह। नाज़रीन, इसके कार्डम की बात की जाए तो कार्डम की और कारपोच की सेम इसका फ्लोर प्लान रहेगा, तो ऐसा हम आपको क्लिप करके दिखा देते हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, ये इसका बड़े साइज़ का कार्ड पोच रहेगा जो कि यहाँ पर डिज़ाइन किया गया और उसके साथ खूबसूरत इसकी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमें डबल यूनिट है, सेपरेट है। हम लोग यहाँ से इसकी फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस ले सकते हैं और यहाँ से हम लोग फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट करके हम नीचे वाले फ्लोर में हम लोग खुद रह सकते हैं माशाल्लाह। ऐसे आप समझ लें कि डबल यूनिट हाउस है ये। और इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन मेहरान का आराम से पार्क हो सकती है। और इसकी बैक पे माशाल्लाह वॉलपेपर के साथ एक विंडो डिज़ाइन की गई है और ये इसकी साइड वॉल माशाल्लाह। फर्दर अब हम लोग मेन गेट की बात करते हैं। मेन गेट से पहले यहाँ पे हमें एक वॉशरूम देखने को मिल जाएगा जो कि पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया है। एंड अभी इसके चलते हैं मेन गेट की मेन एंट्रेंस की तरफ। मेन एंट्रेंस में एंटर होते साथ ही सबसे पहले तो इसकी बैक वॉल रहेगी ना। बैक वॉल का खूबसूरत जैसे आप देख सकते हैं मीडिया वॉल रेली में नाइस लुक है। और इसके बाद ही ये हमारा व्यू है, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। सीलिंग डिज़ाइन के साथ ही हमारी साइड पे मीडिया वॉल आ जाएगी। मीडिया वॉल के खूबसूरत सीलिंग जैसे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। फ्लोर जो है माशाल्लाह पूरे ग्राउंड फ्लोर पे थ्रू आउट ट्रेवल कर रहा है सेम फ्लोर। एंड ये हमारा किचन रहेगा, किचन के सॉलिड डोर। माशाल्लाह रियली में नाइस लुक है और इसके साथ सीलिंग डिज़ाइन माशाल्लाह। कलर को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया, बर्नर प्लस अमेलियन जो यहाँ पे इंस्टॉल देखने को मिलेगा। बेडरूम नंबर 1 जो कि ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है, उस वक्त इसकी बैक वॉल माशाल्लाह सीलिंग डिज़ाइन। और इसके बैक पे यहाँ पे हमें वेंटिलेशन के लिए ओपन एरिया देखने को मिलेगा और उसके साथ ही यहाँ पे हमें कबर्ड डिज़ाइन किए गए हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ओपन एरिया को थोड़ा डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमें स्पेस काफ़ी यूज स्पेस मिलेगी जो कि थ्रू आउट ट्रैवल करियर बैक ये डिज़ाइन माशाल्लाह रियली में नाइस है। साथ अटैच वाशरूम आ जाएगा। वाशरूम में माशाल्लाह खूबसूरत इसका ये माशाल्लाह वेंटी और इसके साथ ये हमारी मैट की टाइल जो कि 7 foot तक डिज़ाइन की गई है और हमारा ये माशाल्लाह रियली में नाइस है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो अगर नहीं कर फर्दे। नाज़रीन, अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की अच्छी आपको बताता चलूँ उनके बात यही है कि ये सेपरेट है। यहाँ पे हमें रेंट आउट करना चाहें तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे इसके स्टेप्स पे हमें पत्थर देखने को मिलेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पत्थर बहुत मजबूत चीज़ है तो पत्थर बहुत बेटर रहता है टाइल के मुकाबले में जी। नाज़रीन, अब हम लोग आ चुके हैं लिविंग रूम टीवी लॉन्च में। बैक वॉल माशाल्लाह इसके साथ खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे इसके साइड पे ये विंडो बनाई गई है, 2 ventilation विंडो है। वेंटिलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है जैसे आप चेक कर सकते हैं। और अब हम लोग सबसे पहले किचन का विज़िट कर लेते हैं। किचन माशाल्लाह माशाल्लाह रियली में नाइस लुक है।
और अब हम लोग चलते हैं बेडरूम नंबर वन की तरफ। फ्लोर प्लान जो है वो नीचे वाले का थोड़ा बड़ी टाइल थी, इसकी थोड़ी छोटी टाइल लगी हुई है, बस इतना डिफरेंट है। माशाल्लाह ये बैक वॉल, सीलिंग माशाल्लाह खूबसूरत, बिल्कुल सिंपल सी लाइट सी सीलिंग रखी गई है। और ये इसकी माशाल्लाह बैक पे माशाल्लाह। अब हम लोग वाशरूम की तरफ चलते हैं। वाशरूम की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें तमाम की तमाम मैट टाइल देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे बहुत एडजस्ट हो गई है। मैट टाइल बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरे रिकमेंडेशन के मुताबिक ये मैट टाइल बड़ी बेस्ट है। और ये बेडरूम नंबर टू, माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह, रियली में नाइस कबर्स। और इसके साथ ये वेंटिलेशन ओपन एरिया माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, हवादार तीन मल्ले का घर माशाल्लाह। नाज़रीन इसके साथ ही अटैच वाशरूम, मैट का इस्तेमाल किया गया तो ये रेली में एक पॉप अप लुक दे रहा है माशाल्लाह। नाज़रीन इसका अगर प्राइस की बात कीजिए तो यहाँ पे हमें 1,15,00,000 रुपया इसकी डिमांड की जा रही है, निगोशिएट अवेलेबल है। जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो दिए गए नंबर पर भी रब्ता करके इसका आप लोग विजिट कर सकते हैं, और जो भी मालूम लेनी है आप हमारे फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। काइंडली कॉल करके हमें बस ये बताइएगा कि फेज़ टू में आपने सेकंड टू कॉर्नर का टूर करवाया था, उसकी हमें डिटेल दे दें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, सब के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें।